यार इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं इस छत पे मौजूद हूँ। लगातार 3 घंटे से बारिश हो रही है और इस टाइम जो है पिंजरे में फुल पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे कमरे में पानी गिर रहा है आगे। मैं वही खोलने आया हूँ कि यार चेक करके आऊँ हुआ क्या ऊपर। ये देखिए नहीं, ये पानी भरा हुआ सारा और यहाँ से ही मेरे कमरे में जा रहा है नीचे। इसके नीचे मेरा ही कमरा है यार, यहाँ से तो ये खुला हुआ मुझे लग रहा है, बाहर से खराब हुआ। बारिश रुकने का इंतजार ही करना पड़ेगा, पानी नहीं निकलेगा क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि पानी का निकलने में भी टाइम लग रहा है वहाँ से। तभी हम नीचे चलते हैं वापस क्योंकि बारिश हो गई बहुत तेज। नीचे भी आपको दिखाता हूँ, पानी खड़ा हो गया सारा। ये सारा जो है ना लीक हो रहा है, अभी मैं ऊँची नहीं बोल सकता, रैन सही भी है, रैन मारेगी उठ के। यार ये हमारा सीन था जो कल आपने ब्लॉग में देखा था, तो इस टाइम इसमें ये सीन है कि इसमें पानी भरा हुआ है। बाइक के टायर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का पानी जो है भाई सड़क से घर के अंदर आ रहा है। बेचारे जानवर भी हैं, वो 3-4 घंटे से खड़े हुए, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिल रही, दोनों खड़े हुए हैं। आ गया मैं हिम्मत करके पानी के अंदर, तो ये खड़े हैं अभी यहाँ पे तो घास है, लेकिन उस तरफ सारा पानी है जहाँ उन्होंने बैठना है बेचारों ने। इसको हमने यहाँ कर दिया था और उसकी रस्सी हमने दूसरी साइड बांध दी, क्योंकि ना ये दोनों लड़ रहे थे। अभी इनके सीन जरा बैठ हुए हैं, दूसरा भी उधर ही है। अब इनके पास बारिश रुकने का वेट है, फिर ये बैठ सकते हैं बेचारे। उसके अलावा क्या करते हैं, ये मुझे मारने की तैयारियों में है। रात तो मुझे ही मार रहा है, किसी को भी नहीं कुछ कह रहा। आपके भाई की बाइक जो है ना साफ सुथरी हो गई है, लेकिन जब ये पानी सूखेगा तो मिट्टी जम जाएगी इसके ऊपर, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है। इधर दर्द होता है, इधर इधर दर्द होता है, इधर ले जाएंगे। निमोनिया भी उठ गई है। तो यार बारिश बंद हो गई है, पानी भी निकल गया थोड़ा सा, आगे आगे खराब हो गया, तो इनको हम बाहर बांधने लगे ताकि जरा आराम कर लें, तब तक किसी जगह का भी कुछ बंदोबस्त कर लें हम। इधर ही बांध है ये रियाज के खंबे साथ, इधर ही बांधो, इधर बांधो इसके साथ, नहीं पानी में वो पागल है, वो जाएगा। दूसरा भी देख आते हैं यार जी, तो ये वैसे ही अथरा है, इसको भी बाहर बांधना है। उधर ही खड़ा हो ध्यान से, चलो भाई चलो भाई, जरा सुकून से वहां बैठ जाएंगे। चलो ना साहब, एक बैठा नहीं बन रहा तुमसे। टांग खाना छाना डालो यार, बैठ ही गए हैं आखिरकार। ये बहन भी आई हुई है मेरे साथ, बैठ गए बेचारे, तो आराम करने दें फिलहाल इनको, शाम को इनको फिर आएंगे। अभी एक इमरजेंसी हो गई है, हमने जरा वहाँ जाना है, लेट्स गो। बल्कि इस व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, अगले व्लॉग में दिखाएंगे। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।